हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल टेरर ऑलवेज डार्कनेस तो सब लोग आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट करेक्ट सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स क्या आने वाला है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सो ऑफकोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जोर साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रोडिक्शन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर बिंग विथ मी आज का स्केच जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज़ अ कैट सो कैट जो है स्परिचुअली अगर हम देखने जाए सो so, ये काफ़ी ज़्यादा बेहद सिग्निफिकेंट है क्योंकि कैट इज ऑब्वियसली वेरी इंटिटिव ठीक है उसको पता चल जाता है उसका सेंसेस बहुत ज़्यादा एवेर है दो चीज़ है ये तो ये सूख सकती है बहुत ज़्यादा ठीक है दे कैन स्मेल फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस और दूसरा है कि क्या इवन जो इस दुनिया में अभी जीवित नहीं है उन लोगों को भी देख सकते हैं सो दे आर वेरी मच यू नो एसोसिएटेड विद सुपर नेचुरल एक्टिविटीज सो आप देखेंगे कभी भी सुपर नेचुरल थ्रिलर या हॉर मूवीज में कैट को शामिल किया जाता है बिकॉज दे हैव देंसेस टू डिटेक्ट वो एक आप बता सकते हैं सेंसर की तरह डिटेक्ट कर लेते हैं और इधर तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं और इवन अगर डॉग्स भी होते हैं तो वो भी चीखते हैं सो दिस आर एंड दे आर वेरी क्लेवर एंड डेफिनेटली जो होते हैं वो एंड काफ़ी क्यूट भी होता है वेरी लविंग ओके सो पीपल जनरली देम एज पेट्स सो लेट्स फाइंड आउट ओके इस दौरान हम देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में हो सकते हैं क्या क्या सिचुएशन आप गुजर रहे हैं यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ़ कोर्स कौन कौन से सिचुएशन से वो गुज़र रहे हैं और क्या होने वाला है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें आई डो थिंक सो दैट चीज़ें जितने भी सीरियस uh, नहीं हैं आपके लाइफ में आप उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर रहे हो आप उसको बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रहे हो उसके ऊपर और क्या हो रहा है चीज़ें आपके लिए काफ़ी सीरियस हो रहे हैं अगर आप उन चीज़ों को सीरियसली ले लेते हो तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा आपको लेकिन आप उन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो आई कैन ऑल्सो सी लाइक इफ़ यू सी लाइक दिस साइड तो ये एक टर्टल की तरह दिख रहा है ये शेप इस तरह से अगर ये शेप है तो एक टर्टल की तरह दिख रहा है टर्टल या टर्टोज जो भी है मुझे यहाँ पे इतना तक महसूस हो रहा है कि आपने अगर किसी के साथ भी लव लाइफ रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो चुके थे तो वहाँ से आप ओपन थे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में मतलब बहुत दिलदार आप हो चुके थे ठीक है और बहुत जैसे बोला जाता है कि लव नोज नो बाउंड्रीज तो आपने मतलब बेहद प्यार कर बैठे आप लेकिन कहीं ना कहीं पे क्या हुआ ना सिचुएशन इक्वल टेक नहीं रहा बोल के चीज़ें बैलेंस नहीं हुआ और कहीं ना कहीं पे आने वाले समय में भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके उपकार ले ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार के मामले में मैं भी आपके रिलेटिव्स या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स या कोई भी आपके प्रोफेशनल सर्कल में ठीक है कि वो आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करे वो आपको मे बी कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स या स्टेटमेंट्स यूज करके आपसे अपना काम निकालने की कोशिश भी करे बट सिंस यू आर ऑलरेडी अवेयर एंड डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप क्या करेंगे ना आपका जो सिक्स सेंस है वो डेवलप तो करेगा ही बट आप लॉजिकली भी समझेंगे आप ऐसा नहीं देखेंगे कि वो आपसे जो काम निकलने की कोशिश करवा रहे हैं हो सकता है कि आप आप ही ने उनको इनवाइट किया होगा इसीलिए वो करने के लिए उन उतना मतलब उनको मौका मिल गया अगर आप उनको एंट्री ही नहीं देते हो अपने लाइफ में तो वो कैसे फिर करेंगे सो यू विल स्टॉप गिविंग एंट्री टू दोज़ पीपल हु कैन क्रिएट अ लाइक मैसकर इन योर लाइफ और पेन इन योर लाइफ उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो है आई कैन सी लाइक दिस इज बिकमिंग अ कम्प्लीट सर्कल जो एक बार स्टार्ट हुआ था आपके लाइफ में वो खत्म होगा ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है आ सिग्निफिकेंट मैन और वुमेन इन योर लाइफ ठीक है विल ट्राई टू कहीं से ऐसा वो जरूर करेंगे कि आप को संभालने की कोशिश करेंगे वो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो वो आपको ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी का फेस जो बहुत ही ज़्यादा बेबी फेस है आई डोंट नो मैनी ऑफ यू मे हैव दिस टाइप ऑफ बेबी एक्टिविटीज़ और नेचर या हो सकता है कि आने वाले समय में आपको एक क्यूट बेबी जो है यू विल बी ब्लेस्ड विद अ क्यूट बेबी समथिंग लाइक दैट एंड विल बी सो मच प्राउड ऑफ दैट बेबी बिकॉज़ वो बेबी के अंदर बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज़ होंगे वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे आई कैन सी दैट टू वेमेन आर कैरिंग बेबीज या मैन एंड वुमेन ठीक है ट्विंस बेबी आपके हो या कोई क्योंकि यहाँ पे बेबी का ही होल्ड बच्चे को होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे है या ऐसा भी हो सकता है कि दो प्रोजेक्ट आपको एक साथ मिले या दो अपॉर्चुनिटीज आपको एक साथ मिले लगभग सेम ही हैं बट आपको दोनों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ओके नाउ लेट मी सी मोर यूनिवर्स गाइड्स प्लीज गाइड करें आई कैन सी विथ योर लाइक पैशन इनसाइड। जैसे आग होते हैं आग की जो एनर्जी है हीट का जो एनर्जी है अगर एनर्जी नहीं होता है तो हम इनएक्टिव हो जाएंगे हम पैसिव हो जाएंगे हम अलर्ट भी नहीं होंगे हमें उत्सुकता भी नहीं होगा बट आपके अंदर जो उत्सुकता मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में इसे कठिन से कठिन चीज़ें भी आप हासिल कर लेंगे बिकॉज ऑफ योर एनर्जी ज़रूरी नहीं होता है कि लोगों को टैलेंटेड होना ही चाहिए बॉर्न टैलेंटेड होने चाहिए नो टैलेंट कैन ऑल्सो बी नर्चर्ड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस से ही रेगुलर मॉनिटरिंग से ठीक है कहीं ना कहीं पे चेकअप से बहुत कुछ चीज़ पहले से ही डिटेक्ट हो जाती है तो हम उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की तो कोशिश ही करते हैं सो कंटिन्यूस लाइक फोकसिंग ऑन वन सब्जेक्ट एट ए टाइम एंड डेफिनेटली वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहे कोई भी हो मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ ये जो एक लेवल ऑफ़ यू कैन से दैट एटीट्यूड ओके दैट विल डेफिनेटली पे यू ऑफ अगर आप हट जाते हो आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा होंगे लेकिन अगर आप हट जाते हैं तो उसमें आपको कभी भी सक्सेस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप खुद ही उनके लिए एक पैसेज बना देंगे कि चलो आ आ जाओ मेरे से मतलब करियर के रास्ते पे और मेरा जगह जो है आप खुद ले लो उस तरह से नाउ लेट मी जस्ट एनालाइज विद हेल्प ऑफ मोर शेप्स यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है सम लेडीज देयर एंड द हेयर इज सो लॉन्ग हो सकता है कि इनसे आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है एनी यू कैन से वुमेन मे बी अब मैं नहीं बोल हूँ कि हर एक वुमेन जिनका लॉन्ग हेयर है वही ऐसा है बट ऐसा नहीं बट मे बी मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक like, उनकी आंखें कुछ ऐसा रिविलिंग कुछ आइज ऐसा हो सकता है जो आपको लगे कि नहीं ये तो मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं बट दे आर लाइक यू नो वेरी मच वेरी क्रीपी एंड वेरी मिस्टीरियस ऐसे हो सकते हैं एंड आई कैन सी लाइक समवेयर इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस और समवेयर देर आर सर्टेन एंटिटीज कुछ ऐसे नेगेटिव है वास्तु है वहाँ पे अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छा है आप कैसे मैनिफेस्ट uh, कर सकते हैं अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को एक आप टी लाइट लीजिए ठीक है एक बार अंधेरा कर दीजिए रूम को स्पेशली रात के समय पे ओके okay, एंड आप उस कैंडल को लेके थैंक यू आप बोलिए जितने भी भगवान आप को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इस भगवान को बोलना चाहिए आपके धर्म में जो भी है उन सुप्रीम एनर्जी को आप उस कैंडल से ऐसा लेके बोलिए आई हैव ऑल द थिंग्स दैट यू हैव गिवन टू मी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू तो आप देखेंगे कि जो चीज़ आपको इवन नहीं भी मिले हैं अपने लाइफ में आपको उसके लिए कोई भी पश्चता नहीं होगा यूल फील बेटर बट यू हैव टू टेक दैट टी लाइट ऑन योर हैंड विथ सेफ्टी एंड डेफिनेटली यू हैव टू स्पीक लाइक दिस एंड थिंक थोड़ा आपको ऐसा समझ लेना है कि भगवान हैं उनके सामने आपके सामने है और डेफिनेटली आप उनका नाम ले रहे हो और ऐसा कह रहे हो कि मेरे पास बहुत कुछ है जो आपने आज दिया है तो आप देखेंगे जितना आप ग्रैटिट्यूड अदा कर रहे हैं बिकॉज एनर्जी इज लाइक फायर एनर्जी के सामने आप कर रहे हो सो so, उससे क्या होता है मैग्नीफाई होता है आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस उससे ग्रैटिट्यूड अदा करने से आपको तीन गुना और ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलता है नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द औरकल कार्ड्स ओरकल कार्ड्स हमें और भी बताते हैं इसको इसके ऊपर ही हम कर लेंगे तो लेट मी सी सो यूनिवर्स गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो यूवर्स है मेरी जिंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स क्या आने वाला है क्या आ सकता है विदिन अट पीरियड ऑफ टाइम वट कैन कम टूर्स पीरियड ऑफ टाइम ओके, सो वी डू हैव द सरेंडर यहां पे है राइट एक्शन सेल्फ लव यहां पे है सेंटिटी डिवाइन एवंस एंड ट्रस्ट लव अगर आप खुद के ऊपर जैसे प्यार आप दूसरों से उम्मीद रख रहे हो कि नहीं वो प्यार दे देंगे ही मुझे क्योंकि मैंने उनको दिया जरूरी नहीं कि वो आपको देंगे पर जरूरी ज़रूर है कि आपको किसी और से तो मिल ही जाएगा द एनर्जी विच यू आर एमिटिंग राइट ना जो एनर्जी आज आप दे रहे हो ठीक है वो आपको दूसरों से मिल जाएगा क्योंकि एनर्जी कैन नेवर बी यू कैन से दैट डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इंटू अन अदर ये होता है साइंस के साथ स्पिरिचुअलिटी का मिक्स सो एनर्जी आप जो दे रहे हो कभी भी खत्म नहीं है ऐसा नहीं कि वो आपने फालतू का ही किसी को प्यार किया एंड डेफिनेटली आपने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत किया या उनके लिए सोचा ठीक है तो वो भी आपके लिए ऐसा ही करेंगे अभी वो पर्टिकुलर इंसान वो ना हो के कोई और से आपको मदद मिल ही सकता है आप ऐसा कह सकते हैं मैंने तो इतना फोकस किया है स्टडीज़ के ऊपर बहुत मेहनत किया है रात दिन इवन लाइट जब चली गई तभी भी मैंने यहाँ पे लोड शेडिंग में भी मैंने काम किया है ये किया है वो किया है ठीक है गर्मी के समय पे फैन ऑफ हो चुका था मैंने बहुत ज़्यादा मैनेज करके किया है ऐसा बहुत कुछ हो सकता है बट डू यू थिंक दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू पे यू ऑफ नहीं ऐसा नहीं हो सकता इस बार नहीं हो पाया बट नेक्स्ट बार तो वो ज़रूर होगा तो दिस टाइप ऑफ लव यू और डेफिनेटली गोइंग टू तो गेट आपने प्यार किया है अपने प्रोजेक्ट को अपने प्यार किया अपने घर को अपने प्यार किया है अपने पर्सन को फैमिली को रिलेटिवस को सम वेयर और अदर इट इज गोइंग टू तो गेट यू कैन से दैट कम बैक इन योर लाइफ ना उससे भी पहले वो चीज़ है कि आपको अपने तरफ से आपने अपने लिए क्या किया है क्या आपने थोड़ा समय अपने लिए निकाला है आपने नहीं निकाला है ये तो मैं पक्का बोल सकती हूँ यहाँ पे देखो दिस इज़ अ शेप ऑफ अ लोटस कुछ समय पहले मैंने लोटस को ड्रा किया इसे पहले भी किया था एनी वे सो लोटस इज सच अ फ्लावर विच सिम्बोलाइज की प्योरिटी एंड डेफिनेटली इट सिम्बोलाइज दैट खुद को ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए देखना नहीं पड़ता है के आसपास कीचड़ भी हो सकता है बट वो उसको वो माइंड नहीं करती ये जो लोटस है वो माइंड नहीं करती कि वो गंदा जो है एरिया है पानी गंदा है वो ऐसे ही सुंदर है वो, उसको माइंड नहीं करना पड़ता सो so, जितना आप माइंड करोगे उतना ही प्रॉब्लम है सो सेल्फ़ लव इज़ लाइक दैट यू हैव टू बिकम अ चाइल्ड इसलिए वहाँ पे चाइल्ड भी देखा चाइल्ड लाइक एक्टिविटीज़ आर गुड अगर आप अभी भी जितना भी आपके एज है ठीक है अगर आप अभी भी अपने आप को वो लेवल पे समझते हैं कि नहीं मैं अभी भी अपने आप को उतना ही लेवल पे अपने आप को बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट मैं देती हूँ या देता हूँ जस्ट पैम्पर योर सेल्फ सम आइसक्रीम ठीक है टेक सर्टेन चॉकलेट्स ठीक है अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि हर रोज़ ठीक है जब भी, भी आपका मूड ख़राब हो रहा है सो दैट कैन यू कैन से एक्ट एज इम्यूनिटी बूस्टर उस तरह से होता है स्पेशली डार्क चॉकलेट्स अगर आप खा सकते हैं तो उस तरह से मुझे दिख रहा है कि अपने आप को तो थोड़ा पैम्पर करने की ज़रूरत है जो आप नहीं कर रहे हैं जब आप करेंगे उस प्रोसेस को ही आप विश्वास रखेंगे ये हैंडल करना आप जान जाएंगे सर डेफिनेटली आई डू थिंक सो वो हो होके रहेगा सो so, आप चेज करना बंद कर दो और इन फ्यूचर आपके लिए अबर्नडेंस ही अबेंडेंस है सिर्फ पैसों की कमी वो वाला नहीं है हर एक तरीके से बहुत अच्छे कंपेनियनशिप गुड कंपनी टू वर्क विथ गुड वर्किंग कल्चर वो भी बहुत बड़ा एबेंडेंस है आजकल के समय पे जो वर्किंग कल्चर जो होता है जहाँ पे हम अपने समय जो घर में बिताए हुए समय से ज़्यादा रहते हैं ठीक है तो वहाँ का कल्चर अच्छा होना चाहिए उट्स लाइक दैट एंड दैट विल बी देअर फॉर यू और मुझे ये भी दिख रहा है कि सही समय पर आपके लिए कोई सही एक्शन लेगा अभी ये एक्शन भगवान भी ले रहे हैं आपके लिए आप खुद ही ले रहे हो आपके लिए या कोई आपके लिए तो फेवर करेंगे ही आपको एंड डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लिया जाएगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डे रीडिंग आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी लव यू और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड